सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इंस्पायरिंग होने वाली। आज हमारे साथ है सानिध्य, जिसने आईआईटी जेईई 2023 क्रैक किया विद सच अ गुड रैंक, और अभी वो आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है। तो हम उसी से जानते हैं कि उसने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से की, कैसे की, और क्या उसको क्या इंपॉर्टेंट चीजें लगी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में, ताकि आप लोग की भी उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो पाए। सो मेक श्योर करना आप वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि है ना आपको काफी अच्छी लर्निंग मिलेगी इस वीडियो से। एंड वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे आपके लिए ऐसी और भी बहुत सारी पॉडकास्ट आएंगी। तो सानिध्य, एक अपना शॉर्ट में इंट्रो दे देना लोगों को। सो हेलो एवरीवन, आई एम सानिध्य ओझा एंड मैं बेसिकली पुणे में रहता हूँ। नेटिवली यूपी का हूँ मैं, बट मैंने जितना भी स्कूलिंग वगैरह सब चीज़ें पुणे में हुई है। मेरी जेई मेन्स की सेकेंड अटेम्प्ट में परसेंटेज 99.9 थी एंड रैंक मेरा 1156 था एंड जेई एडवांस में मेरी रैंक 781 थी। अभी मैं आईआईटी दिल्ली में ई पावर एंड ऑटोमेशन परस्यू कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। एंड सो यार, आप स्टार्ट करते हैं कि तुमने अपने, जैसे हम देखते हैं ना जो टॉप 1000 रैंक्स होती है, तो जनरली बेसिकली उसके जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत पहले से प्रिपेयर करते हैं, मतलब फाउंडेशन करके रखते हैं, 9 8 9 से पढ़ रहे होते हैं। तो तुम्हारा क्या केस था, मतलब तुमने क्लास 11 से स्टार्ट की थी अपनी आईटीजी की प्रिपरेशन, या फिर 8 9 से स्टार्ट कर दी थी? वैसे तो मुझे थोड़ा सा पहले से आइडिया था आईआईटी होता क्या है, बट मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि लाइक उससे पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट होती है कि नहीं। 10th में मुझे थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर मिला एंड 10th के एकदम एंड में, जब वो अप्रैल का टाइम था, जब अनसर्टेनिटी थी कि बोर्ड्स होंगे कि नहीं होंगे, हमें नहीं पता था, तब मैं सोचा थोड़ा सा जेई स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा एक अपर एज मिलेगा बाकी उसे जो 11th से स्टार्ट करेंगे। सोच लूंगा कि मैंने शायद से 11th के एक मंथ पहले से स्टार्ट किया था बस। एंड स्टार्ट कहाँ से किया था, मतलब कोई कोचिंग ज्वाइन की थी, या फिर ऑनलाइन यूट्यूब इधर उधर से पढ़ रहे थे? सो मैंने वेदांतु से स्टार्ट किया था बिकॉज 10th में उन्होंने शायद से फ्री कर दिया था अपनी चीज़ें और जो भी कोर्सेज थे एंड देन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, उनका इंट्रैक्शन बहुत अच्छा था मेरे लिए एंड टीचर्स भी मुझे बहुत सही लगे कि इम्पोर्टेंस मिल रही है, तो फिर मैंने वहीं से ज्वाइन किया। एंड हाँ, जो यूट्यूब भी मैंने बहुत फॉलो किया था, उनका यूट्यूब से स्टार्ट किया था मैंने। तो पहले उन्होंने स्टार्ट किया था एक ब्रिज कोर्स करके, लाइक 10 to 11 में जो ब्रिज कोर्स है, तो वो पॉइंट था जो मैं बोला कि वहाँ से मेरा जेई प्रेप स्टार्ट हुआ जो प्रॉपर वाला था। एंड देन मतलब इसीलिए तुम 11th में एंटर किया, तो तुमने वेदांतु का एक कोर्स ले लिया एंड तुमने वहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। एंड तुमको लाइक पढ़ा टीचर्स कौन थे, मतलब वेदांतु के उस बीच में पढ़ाता कौन था तुमको? सो वैसे तो वेदांतु के सारे टीचर्स से, मतलब बहुत सारे टीचर्स से पढ़ा हुआ मैं, बट जैसे जो मेरी जो मेन बैच थी उसमें शिमोन जोसेफ सर थे, हर्ष महेश्वरी सर थे एंड सुरेश महावर सर थे। सो जिन्होंने भी यूट्यूब पे वेदांतु जी को स्टार्टिंग से फॉलो किया हो तो वो जानते हैं तीनों टीचर्स को, तीनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड बाद में वेदांतु पे और मोहित रैन सर, अरविंद कालिया सर, ये लोग भी पढ़ा रहे थे, सो उनसे भी मैंने अपनी चीजें गैदर की थी। PYQs, मतलब तुमने कौन से, कितने साल के, लाइक लास्ट PYQs तुमने लगाए थे, मतलब रिसेंट 4 5 साल के लगाए थे, फिर 10 15 साल के PYQs देख लिए थे तुमने लास्ट में आते जाते? जेई मेन सबसे पहले मैंने ये मिस्टेक की थी कि मैंने PYQs के लिए अपना एक प्रॉपर टाइम ही रखा था। मैंने सिर्फ अपने जो भी जेई जो भी वेदांतों के मॉक टेस्ट थे वही मैं कवर करता गया, तो वो रेगुलर होते थे। उन्होंने हमें दे दिया था ऑप्शन कि देखो तुम्हें दो दोनों स्लॉट में रोज रहेगा जो टेस्ट है। इट वाज नॉट मैंडेटरी कि तुम करो ही, तुम्हें था कि हर अल्टरनेट डे पे कर लो एक टेस्ट, दे दो अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस पे कि आप कौन सा स्लॉट में दे पा रहे हो। सो हाँ, तो मैंने वो मॉक टेस्ट कवर किए थे एंड में आके मैंने केमिस्ट्री में कर लिया था, क्योंकि केमिस्ट्री का जो मेरा पोर्शन था वो, मैं केमिस्ट्री का जो मैं पार्ट था, मुझे लग रहा था कि शायद से मैं इससे बेटर अचीव कर सकता हूँ जो मेरे मॉक टेस्ट में आ रहे हैं। सो मैंने उसमें PYQs लगाए थे एंड फॉर सेकेंड अटेम्प्ट मैंने ये चीज वापस से दोहराई नहीं। तो जो भी मैथ्स में, जितने मैथ्स मेरा कमजोर पार्ट था, फिजिक्स में तो ठीक ठाक हो जा रहा था एंड लेवल ऑफ फिजिक्स भी आप जानते हो कि लास्ट ईयर इतना अच्छा नहीं था। सो मैं फिजिक्स का था, टेंशन नहीं लिया मैंने एंड जो मैथ्स का पार्ट था वो मैंने जितने भी लास्ट के 4 या 5 ईयर्स के PYQs थे वो सारे कवर कर लिए थे केमिस्ट्री के एंड साइमल्टेनियसली केमिस्ट्री के मैंने सारे कर लिए थे जितने भी थे। वीडियो में मैं आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहूंगा, बहुत लोग की रिक्वेस्ट थी कि भैया 1 to 1 आपसे बात करनी है, लाइक हमें थोड़ी गाइडेंस चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं एक स्पेशल क्लास ले रहा हूँ अनअकैडमी पे, जहां पे मैं आप लोगों से 1 to 1 इंटरेक्ट करूंगा, आप लोगों के डाउट्स लूंगा, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा स्ट्रेटेजी, लाइक कैसे है ना आप जेई मेंस में 99% क्लब में घुस सकते हो, या फिर कैसे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा चांस होने वाला है, जिससे ना आप मेरे से 1 to 1 बात कर सकते हो। मेक श्योर करना आप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा, आप उस लिंक पे जाके मेरा कोर्स जरूर से जरूर ज्वाइन करना। सो मिलते हैं, सब लोग आ जाना, कल ये वीडियो होने वाला है, ठीक है? तो स्पेशल क्लास में कल मिलते हैं, सब लोग जरूर से आना। एंड जैसे कि जनरली ये बताओ कि जो टॉपर्स होते हैं, तो लाइक उनका, लाइक बेसिकली मैं पूछूँ तो उनका तरीका क्या था किसी भी चैप्टर को ना बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाने का?
सो लाइक टॉपर्स ऐसी मतलब क्या अलग करते हैं, लाइक उनका ना कंसेप्ट इतना ज्यादा क्लियर होता है कि लाइक वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और उसको टॉप लेवल तक लेके जा पाते हैं, जो कि बाकी स्टूडेंट्स नहीं ले जा पाते, तो वो क्या अलग करते हैं टॉपर्स? सो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नॉर्मल वाले बैच में था, मैं टॉपर्स बैच में था। सो मुझे इतना ये पता चल गया था कि एक तो मेंटालिटी होती है, आप किस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करोगे। तो आपको मुझे एंड तक वैसे तो मैं ठीक से सीख नहीं पाया, बट आज जो लोग मेरे से बेटर कर रहे थे उनका ये था कि दे वर स्टिकिंग टू द क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन है तो उसको सोचेंगे कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से करना चाहिए। एंड ये मेरे टीचर्स भी बहुत बोलते थे, वो अलग बात है कि थोड़ा सा मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था उसमें, बट जैसे जैसे मैंने वो चीज गैदर अप की मुझे लगता है मेरा लेवल भी उससे थोड़ा सा बेटर हुआ। जो सेकेंड चीज मैंने आइडेंटिफाई की, जो क्वेश्चन सॉल्विंग होता है उसमें, क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन सॉल्विंग का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए। लाइक अगर आप चीज कोई चीज गलत कर रहे हो, आपको नोट करना चाहिए कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई क्वेश्चन गलत किया तो मुझे जब वो नेक्स्ट टाइम सेम टाइप का क्वेश्चन आए तो मुझे वो चीज स्ट्राइक करे कि मैंने ये चीज गलत क्यों की थी उस समय। ये एक चीज थी। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है कि इलस्ट्रेशंस। जनरली एक जनरल पैटर्न होता है एस्पिरेंट्स का कि वो पहले आपको एक थ्योरी पढ़ेंगे एंड देन दे विल जंप टू द क्वेश्चंस, वो जो क्वेश्चंस करेंगे। आई गेस उस बीच में अगर हम इलस्ट्रेशंस वाला जो पोर्शन ऐड कर दे जिसमें आप एक सोल्यूशन देखो, इलस्ट्रेशंस का कॉन्सेप्ट मैंने आशीष अरोड़ा सर से थोड़ा सा सीखा था। सो अगर एक बार आप क्वेश्चन देखो किस तरीके से फॉलो अप हो रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। देखो क्वेश्चन तो यूनिक ही होता है, हर क्वेश्चन यूनिक होता है, बट उसमें वो किस तरीके से सॉल्यूशन ने किस तरीके से उसको हिट किया है, क्या थॉट प्रोसेस होगी उस सॉल्यूशन के पीछे। जब आपको समझ जाते हो ना, देन आपको जो क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट है वो इजीली होता है। फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी गेन अप होगा एंड आप उस मॉड्यूल में ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे पहले से। एंड जैसे भी बहुत लोग का ये भी क्वेरी होता है कि जैसे मान लो वो टेस्ट दे रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं, या फिर जैसे भी मान लो जेईई मेंस का एग्जाम काफी नजदीक आ गया, सो मतलब बहुत से स्टूडेंट ना एक मार्क्स पे स्टक हो जाते हैं, मतलब मान लो कोई 150 की रेंज में अटका हुआ है, कोई 200 पे, तो ऐसे बहुत सारे लोग उनके नंबर नहीं बढ़ते बेसिकली, कुछ ऐसे 4-5 मार्क्स दिए तो कॉन्स्टेंट मार्क्स आ रहे हैं, वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे। सो लाइक तुमने ऐसी कौन सी चीज की थी लाइक जिससे है ना तुमने अच्छे से एनालाइज किया और तुम्हारे मार्क्स इम्प्रूव हुए हो, तो लाइक तुमने ऐसा क्या चीजें किया था? तो मेरा केस भी ऐसा ही था। मेरा केस तो अलग ही था कि जब मैंने स्टार्ट किया था 11 या 12, तो एकदम कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हुआ मेरे मार्क्स। जब 12th के पहले जब ये जेई मेन वाला टाइम था, मॉक टेस्ट दे रहा था, मैं कंटिन्यूअसली 220 ही आ रहा था एंड लाइक ना वो ऊपर जा रहा था ना वो नीचे आ रहा था। और ये मेरा फर्स्ट जेई मेन अटेम्प्ट में भी 220 मार्क्स आया, सो इट वॉज कॉन्स्टेंट। तो ठीक है, मुझे उस समय यह था कि अब हो गया जेई मेन्स, बट मुझे वो था कि वो मैं अपना कॉन्स्टेंटनेस निकाल कैसे सकता हूँ, क्योंकि जेई एडवांस भी आ रहा है, जेई मेन्स टू अटेम्प्ट भी आ रहा है, तो हटाना है मुझे कि वो कॉन्स्टेंट नहीं रहे। सो देन मैंने जो भी टेस्ट है उन टेस्ट को मैंने डीपली एनालाइज करने का सोचा कि अगर मैंने इस टेस्ट में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो मैंने गलतियां की है, मैं उसको अच्छे से नोट करूंगा, सिर्फ उसको टारगेट करके, उस मिस्टेक को टारगेट करके, जो एक टेस्ट के बीच में, दो टेस्ट के बीच में जो भी टाइम है उसमें उन गलतियों को टारगेट करके वो पहले सॉल्व करूंगा एंड देन जो नेक्स्ट टेस्ट है वो दूंगा एंड उसमें फिर अगेन सेम चीज रिपीट रिपीट करूंगा। तो ऐसे करके फिर मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ एंड देन वो जो डेल्टा है वो 30 मार्क्स का डेल्टा नेक्स्ट जेई मेन अटेम्प्ट में क्रिएट हो गया। ओके सो लाइक तुम्हारे नेक्स्ट अटेम्प्ट में 9.9 मतलब सेकंड अटेम्प्ट तुम्हारा बेस्ट अटेम्प्ट बना फिर। हाँ ओके एंड जब जैसे तुम्हारा जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, जब उसका लाइक 1-2 महीना बचा हुआ था बेसिकली, तो लाइक तुम्हारी उस जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट पहले क्या स्ट्रेटजी थी, मतलब तुमने लास्ट के 1 मंथ क्या, फिर लास्ट के 1-1.5 मंथ में तुमने क्या सॉल्व किया, क्या फोकस था तुम्हारा पीवाईक्यूज रिवीजन या फिर मार्क्स पे, तो मतलब बेसिकली तुमने लास्ट के 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ की तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या थी जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, या फिर तुमने एनसीईआरटी भी पढ़, मतलब अगर एनसीईआरटी ऑफकोर्स सब पढ़ ही रहे होंगे लाइक लास्ट लास्ट 1 मंथ उससे पहले, तो एनसीईआरटी पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी थी, या फिर ओवरऑल तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या थी लास्ट 1 मंथ 1.5 मंथ की? सो आई विल से कि मेरे स्कूल ने प्री बोर्ड रख दिए थे लास्ट के, जो कि मैं 1.5 मंथ्स लूँ एंड तो उसकी वजह से मुझे एक एडवांटेज मिल गया कि अगर मैंने सोचा कि प्री बोर्ड अगर आ ही रहे हैं उसमें मेरा टाइम जाएगा ही, तो मैं एनसीईआरटी को अच्छे से फोकस कर लेता हूँ, उसके साथ प्री बोर्ड के साथ मेरा एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा। तो तुमने एंड तीनों सब्जेक्ट के लिए पढ़ा था मतलब, या फिर केमिस्ट्री स्पेसिफिक? नहीं, मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों पढ़ा था। ऑल्दो आई डू नॉट रिकमेंड कि फिजिक्स का पढ़ो आप, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एल से अगर अगर समझ नहीं आ रहा ना फिजिक्स का तो मत ही पढ़ो, तो ही ठीक है एनसीईआरटी, क्योंकि फिर वो आपको किसी तरीके से बिल्डअप नहीं करता। केमिस्ट्री तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, बट केमिस्ट्री में मैं बोलूंगा पहले टीचर जब पढ़ाए उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना ठीक रहेगा, क्योंकि
क्योंकि एनसीईआरटी बना ही है कि एक साथ आपको समराइज कर दे चीजों को, वो आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा और उसके पॉइंट्स बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, कहीं से भी कोई भी चीज उठ के आ जाती है। एंड मैथ्स में भी मैंने एनसीईआरटी, मैथ्स में एनसीईआरटी तो ऑब्वियसली मैंने स्कूल के लिए लगाई थी, वो तो कोई भी आराम से कर लेगा। बट हाँ, अगर जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जब एकदम स्टार्ट होता है, डिफरेंशिएशन आपका बहुत अच्छे से चला जाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, थोड़ा सा वो मेमोराइज करने में चीजों को प्रॉब्लम होती है, फॉर्मूलाज को क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो आई विल से कि मेरा भी आया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छा नहीं था, मैंने सोचा कि इस बार एनसीईआरटी स्टार्ट करते, एकदम जीरो लेवल पे जाते हैं। तो सिर्फ मैंने खाली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए, मुझे लगता है कि हाँ मुझे हेल्प किया एनसीईआरटी, बाकी मैथ्स की एनसीईआरटी ज्यादा यूज नहीं होती। प्रोबेबिलिटी में भी मैंने यूज किया था, सो बट मेरा एंड में भी प्रोबेबिलिटी एडवांस लेवल तक रीच नहीं हुआ था। एंड जब तुम्हारा जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ तो उसमें तुम्हारी पर्सनल कितनी बनी थी? 99.8 समथिंग थी, 8-9 थी शायद से। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट और 99 बनी थी। ओके, सो इसके बाद मतलब तुम सेकंड अटेम्प्ट के लिए गए, मतलब जैसा तुमने बताया तुमने पीवाईक्यूज लगाए थे, तो मतलब एडवांस की तरफ ज्यादा ओरिएंट नहीं हुए, मतलब तुम फिर सीधा सेकंड अटेम्प्ट के लिए ज्यादा मतलब के मतलब मुझे और इम्प्रूव करना है, सो ऐसा कुछ सीन था मतलब कि सेकंड में मुझे और अच्छी परसेंटाइज लानी है? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था एक्चुअली। मुझे वो नहीं था कि मुझे अच्छी परसेंटाइल लानी है, हमें सर ने बोल लिया था देखो तुम्हारा जो भी आया है वो बहुत अच्छा है, अब तुम बस एडवांस के लिए काम करो। हम लोग स्टार्टिंग से एडवांस के ही ओरिएंटेड थे, सो सर ने बोला था अब एडवांस का चालू हो गया था, मॉड्यूल्स वगैरह एडवांस रिलेटेड देना है, सो वो तो लेवल इम्प्रूव हो ही रहा था। मैं सोचा कि जो एक हफ्ता पहले होगा, जो जेईई मेन सेकंड का सेकंड अटेम्प्ट के एक हफ्ते पहले मैंने फिर स्टार्ट किया। सो आई थॉट कि मेरी इनऑर्गेनिक बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, सो एंड मेन्स और एडवांस के इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा फर्क होता है, वैसे डेल्टा इतना ज्यादा नहीं होता कि बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाए एडवांस में। सो मैंने सोचा कि अगर मैं ये इस टाइम में ठीक कर लूँ तो मेन्स के भी मार्क्स अच्छे हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली एडवांस में भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी, जो फाउंडेशन है उसको बेटर करने के लिए। सो मैंने वो यूज किया था, बाकी मैंने बस जैसे बताया एक हफ्ते में पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट मैंने कुछ दे दिए थे बीच बीच में। ओके, एंड देन तुम्हारे सेकंड अटेम्प्ट में 99.9% आई। ओके, और रैंक क्या बनी थी जेईई मेंस में? 1156 बनी थी। 1156। ओके, एंड जब जेईई मेंस का मतलब रिजल्ट आएगा सेकंड अटेम्प्ट का, मतलब ओवरऑल रैंक के सब आ गए, तो 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है, उसके बाद जे एडवांस होता है जनरली, तो उस पीरियड में तुमने मतलब क्या ऐसी चीजें की लाइक तुझको मैंने लगा तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प की तुम्हारे मतलब ओवरऑल पढ़ाई तो देखो 2 साल की थी, मतलब एडवांस में तुम पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, बट फिर भी जो लास्ट मंथ होता है वो ज्यादा क्रूशल हो जाता है, मतलब क्योंकि आपको लाइक ओवरऑल फाइनल शेप देना पड़ता है अपनी प्रिपरेशन को, सो लास्ट में तुमने कौन कौन सी चीजें की थी जिससे तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्कोर काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ या फिर और हो सकता था, हालांकि तुमने इंप्रूव ही किया अपने जेईई मेंस रैंक से, बट स्टिल मतलब तुमने लास्ट मंथ में क्या क्या चीजें फॉलो की थी? सो लास्ट मंथ में मैंने जो भी था वेदांतु के एकलव्य मॉड्यूल्स वो देते थे, तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया था। उन्होंने हमें कुछ बुक्स से सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी बताए थे, इस पॉइंट तक आते आते मेरे मोस्ट बुक्स में से जो भी चीजें थी वो कंप्लीट हो गई थी। सो ये चीज़ ने मुझे एडवांटेज दी। एकलव्य मॉड्यूल्स मैंने बहुत रिलीजियसली किया, बट आई विल से कि मैं थोड़ा सा बीच में लीनियंट हो गया था, जो हाफ मंथ के अराउंड वन एंड जब 12th का बोर्ड रिजल्ट आया उधर 2-3 दिन गए, एंड जब मेंस 2 हुआ वो पीरियड में 10-15 डेज चले गए। सो आई विल से कि वो अगर थोड़ा सा मैं बेटर कर पाता तो शायद से और बेटर रैंक आ जाती। मैंने जो भी अपने बुक्स किए थे सॉल्व, सो बुक सॉल्विंग में ऐसा है ना कि आप सॉल्व कर लो अच्छी बात है, बट सॉल्व करने में जो आपने गलत किए उसमें से जो भी आपने मिस्टेक्स किए वो उसी समय या तो रिवाइज कर लो या तो फिर बाद में उसको वापस देखना पड़ता है। एंड ये चीज मैंने ना की नहीं थी, इस चीज को मुझे लास्ट में थोड़ा सा बूस्ट तो मिला, बट अगर मैं वो बहुत पहले से करता तो शायद से और बेटर हो सकता था। ओके, एंड फिर जब जे एडवांस 2023 हुआ तो उसमें तुम्हारी रैंक कितनी बनी थी? 781 781, सो विच इज़ अ वेरी गुड रैंक, और अभी तुम IIT दिल्ली में ई पावर एंड ऑटोमेशन में हो, ठीक है? यस सर। ओके, सो यार देखो ये था आज का वीडियो जिसमें सानिध ने अपनी पूरी जर्नी शेयर की, लाइक कैसे उसने अपनी प्रिपरेशन की और काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए जिसका आप यूज करके ना आप भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, सो मेक श्योर करना आप इस वीडियो को